हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू रीड यू यूनिट 4 एलाइस इन वंडरलैंड। आज हम लोग एलाइस इन वंडरलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन डे एलाइस वाज लेइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। एक दिन एलाइस पेड़ के नीचे लेटकर अपने सिस्टर को जो स्टोरी कह रही थी वह उसे सुन रही थी। सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक उसने एक भागते हुए रैबिट को देखा। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। उसका जो आँख था उस रैबिट का वो पिंक कलर का था और एक ब्लू कलर का कोट पहने हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड ही एज ही हरिड अवे। वह अपने साथ एक बहुत बड़ा वॉच लिया हुआ था जो उसके वेस्ट कोट से अटैच था, जुड़ा हुआ था, और साथ ही वह काफ़ी जल्दबाजी में था। ही सेड ओह डियर आई विल बी टू लेट। उसने कहा डियर मैं काफ़ी देर हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी। सी थाउट देर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। एलाइस सोचने लगी लगता है इस रैबिट में जो है बहुत कुछ डिफरेंट है, अलग है। इट कुड टॉक, वह रैबिट बात कर सकता है। इट वॉर अ रेड वेस्ट कोट, वह लाल कलर का एक वेस्ट कोट पहने हुआ था। एंड इट कैरिड अ वॉच, और साथ ही अपने साथ एक वॉच को ले जा रहा था। एलाइस वंडर्ड इट टॉकिंग रैबिट। एलाइस को एक बातचीत करते हुए रैबिट को देखकर काफ़ी आश्चर्य लगा। ए रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट। एलाइस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट। एलाइस इन चीज़ों को देख करके काफ़ी जलने लगी, ईर्ष्या से जलने लगी और उस रैबिट का पीछा करना शुरू कर दी। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलाइस फॉलोड द रैबिट। रैबिट भागना शुरू कर दिया और एलाइस उसका पीछा करना शुरू कर दिया, उसके पीछे पीछे चलने लगी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। अचानक रैबिट एक बहुत बड़े रैबिट होल में जंप कर गया, कूद गया। एलाइस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। एलाइस भी साथ में उस रैबिट होल में जंप कर गई, कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। वह रैबिट उस रैबिट होल में नीचे की ओर चलता गया, चलता गया, चलता गया, नीचे की ओर काफ़ी नीचे पहुंच गया। एलाइस सेड अलाउड वेयर एम आई। एलाइस जोरों से चीख पड़ी मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन। मैं कितनी माइल्स, कितनी दूरी नीचे चली गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। लगता है मैं अर्थ के सेंटर के नज़दीक पहुंच गई हूँ। सी वॉन्डर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। उसे आशा लगा कि ऐसा न हो कि वह अर्थ के दूसरे साइड पहुंच जाए। थम्प एलाइस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। तभी एलाइस जो है वो सूखे पत्ते के ढेर पे जंप कर गई, गिर गई। सी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। वह चारों ओर तेजी से देखने लगी, अचानक फिर से उसने वाइट रैबिट को देखा। इट डिसअपीयर्ड सेइंग ओह माय ईयर्स एंड विस्कर्स। वह वाइट रैबिट यह कहते हुए डिसअपीयर्ड हो गया, गायब हो गया कि मेरे ईयर्स और मेरे विस्कर्स। हाउ लेट इट इज़ गेटिंग। मैं कितना देर हो गया हूँ। एलाइस स्टूड अप। एलाइस खड़ी हुई एंड सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलाइस खड़ी हुई और 15 इंच जो एक लंबा डोर था उसको वो देखने लगी। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। वह डोर काफ़ी छोटा था उसके निकलने के लिए। सी सॉ ए ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। उसने एक शीशे का टेबल देखा जिसपे एक सोने का चाबी रखा हुआ था। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक। वो कोशिश करने लगी उस चाबी को लॉक में डालने की। एंड टू डिलाइट इट फिटेड। और जैसे वो चाबी उसमें फिट हो गया वो प्रसन्न हो गई। एलाइस ओपन द डोर। एलाइस ने दरवाजे को खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन।
जैसे ही उसने दरवाजे खोला, उसने बहुत ही सुंदर अच्छे गार्डन्स को देखा। हाउ सी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कोल्ड कूल फाउंटेन्स। उसने देखा कितने लंबे लंबे क्यारियाँ, फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थी और ठंडे ठंडे फाउंटेन्स झरने थे। बट सी कुड नॉट इवेन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वह अपने हेड को उस दरवाजे के रास्ते नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो दरवाजा काफी छोटा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, सी एक्सक्लेम लाउडली। वो जो उसे कहने लगी कि काश ऐसा होता कि मैं काफ़ी छोटी हो जाती, जिससे वह उस दरवाजे के अंदर फिट हो जाती और वह गार्डन को देख पाती। दे आर सम न्यू वर्ड्स, स्कैम्पर भागना, हरिड जल्दबाजी, पॉप फुदकना, डिसअपीयर गायब हो जाना, विस्कर मुच। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। थैंक यू।